पेश है हिंदी जबान में अपडेट। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मोदी शासन ने जीवन के अधिकारों सहित कश्मीरियों के सभी अधिकार छीन लिए हैं। भारत कश्मीरियों के सभी मानव अधिकारों को छीनकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। नई दिल्ली ने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर को कश्मीरियों के लिए एक नरक बना दिया है। विश्व के तथाकथित सबसे विशाल प्रजातंत्र ने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनता को उनके सभी प्रजातांत्रिक अधिकारों से वंचित किया हुआ है। 5 अगस्त 2019 की कार्यवाही ने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारत की सभी प्रजातांत्रिक मानों की उपेक्षा को सिद्ध कर दिया है। मोदी शासन कश्मीरियों के प्रजातांत्रिक अधिकारों को कुचलने के लिए पाश्विक शक्ति का प्रयोग कर रहा है। भारत द्वारा कश्मीरियों के मूल अधिकार स्वयं निर्णय के अधिकारों की उपेक्षा राष्ट्रसंघ चार्टर का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में जब कश्मीरियों के मूल मानव अधिकार स्वयं निर्णय के अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है, विश्व को मौन नहीं रहना चाहिए। भारत को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के अधिकारों को कुचलने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। भारत से बहुत स्पष्ट रूप से यह कहने का समय आ गया है कि उसे कश्मीर में अपनी दमन नीतियों का मूल चुकाना होगा। अपने स्वयं निर्णय के अधिकारों सहित सभी अधिकारों की उपलब्धि के लिए कश्मीरियों की सहायता प्रत्येक जागरूक मानव का कर्तव्य है।